दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक एडमिशन रिगार्डिंग नया अपडेट लेकर। हेल्थ साइंसेस कोर्सेज के बाद जो है तो अभी इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए BE और BTEC के लिए रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो चुके हैं। उसके डिटेल्स मैं आपको आगे पूरे इस वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कि आगे के अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों चलिए तो देखते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन की क्या की प्रोसेस क्या है। अब आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस जो है दिखाई देगा। यहाँ आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्टर्ड। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आगे जाके कुछ इस तरह का सरफेस जो है खुलेगा। यहाँ आपको पूछेगा कि आपने CET दी है या नहीं है, दी है तो आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट जब आप आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर CET के जो है तो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है, रोल नंबर वगैरह सारा चेक करेंगे आप CET डिटेल्स के लिए। तो डिटेल्स अपने आप ही यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। नीचे और भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं, CET दी है तो आपको JEE का ऑप्शन भी दिखेगा, और JEE नहीं दी है तो और भी बाकी के ऑप्शंस आपको यहाँ पर जो है तो दिखेंगे। CET का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर जैसे ही आप वहाँ पर यस करेंगे, दी है और रोल नंबर और डाल देंगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। दोस्तों आगे जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आपके CET के जो सारे डिटेल्स है तो सारे आपको वहाँ दिखेंगे। आपका स्कोर, परसेंटाइल वगैरह जो भी है तो सारा यहाँ पर अपने आप अपलोड हो जाएगा। प्रोसीड करेंगे तो आपको फिर आपके पर्सनल डिटेल्स जो है यहाँ पर भरने, पर्सनल डिटेल्स भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारा भरते आ जाएगा। नीचे आपके करस्पॉन्डेंस डिटेल या कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो कंटिन्यूस वर्किंग में है, जो मोबाइल नंबर शुरू है आप वही नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, क्योंकि आगे की प्रोसेस में जो है तो आपको उस पर OTP वगैरह आते जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपको जो नाम भरना है वो 12th मार्कशीट पर जो आपका नाम दिया है मार्क में ऊपर सेम वैसे ही जो नाम है तो आपको वहाँ कंपलसरी फिल करना है। पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशंस और आप जब वर्किंग नंबर उस पर भर देंगे ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो आपको उसको प्रोसीड करना है तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जो है चला जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आपको आपका पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको पता ही है, आपने SAR पे किया था तो पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको उसको सेव करना है और प्रोसीड जो है तो कर देना है। यूनिक पासवर्ड बनाएगा जो आपके ध्यान में रहे, और आप उसको पासवर्ड को नोट भी कर लीजिएगा कि आपका पासवर्ड क्या है, किस तरह से आपने उसको किया था। आफ्टर सिक्योरिटी पिन जो नीचे यहाँ पर आपको दिया है, सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट चले जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है सेव एंड प्रोसीड करने के बाद OTP मिलेगा, आपको यहाँ पर वो OTP एंटर करना है। पहले OTP को आपको वेरीफाई करना है। जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपको वेरीफाई हो जाएगा तो आप आगे किस पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ID जो है तो वो यहाँ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा एप्लीकेशन आईडी का। इसके आगे आपको प्रोसेस करने के लिए या पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के लिए जो है तो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ ऑप्शन दिया है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको आगे जाके जब आगे का फॉर्म भरना है तो तब जाके आपको ये जो मैसेज आया है एप्लीकेशन आईडी का, वो एप्लीकेशन आईडी और आपने जो पासवर्ड बनाया था आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आप आपका एप्लीकेशन आईडी आपको एंटर करना है जो EN19 से शुरू होता होगा लॉगिन करने के लिए, और साथ ही आपने जो पासवर्ड बनाया था वो भी डालना है। तो इसके साथ आप साइन इन कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पर भी आप जा सकते हो या आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है, वहाँ पर भी जा सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो खुलेगा। दोस्तों यहाँ रेड और ग्रीन में दिया है, जो आपने प्रोसेस कंप्लीट की है उसे वो ग्रीन में दिखा देगा कि वो प्रोसेस कंप्लीट है, और रेड जो है तो पेंडिंग है, यहाँ आपको मतलब वो प्रोसेस करना बाकी है। सारे प्रोसेस फॉर्म आपने जो किया है वो सारे का स्टेटस जो है कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है आपको वहाँ दिखेगा। आपको पूरे जो पेजेस है डैशबोर्ड पे सारे जो स्टेप्स है सारी की सारी दिखाई देंगी, आपको उसको भरना है। आगे का फॉर्म भरने के लिए सारे स्टेप्स देखने के बाद आपको प्रोसीड कर दीजिएगा और क्लिक कर दीजिएगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आप प्रोसीड करेंगे तो आगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड या फॉर्म जो है खुलेगा।
यहाँ पर सब आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो आपको कैंडिडेचर आपका क्लिक करना है, उसको ध्यान से भरिएगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आगे होम यूनिवर्सिटी के डिटेल्स खुलेंगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, क्या हो, ये सारे आपको भरना है। यहाँ आपको कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रीमी लेयर उसके रिगार्डिंग भी सारे के सारे जो डिटेल्स है आपको भरना है। कास्ट वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी जो भी है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट, तो दोस्तों आप जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है या उसके जो बेनिफिट्स है उसको क्लेम नहीं कर सकते हो या अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको अप्लाई किया है प्रोसेस पूरी होने से पहले, अगर आप उसको अवेलेबल करते होते हो तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप जब वो वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट है जो है तो वह सबमिट कर देंगे, तो आपको उसके बेनिफिट्स जो है या उसके अंडर आने वाला रिजर्वेशन जो है तो आप उसको मे बी क्लेम कर पाएंगे। ये होम यूनिवर्सिटी और कैटेगरी डिटेल्स भरते समय पूरे ध्यान से आप इसको भरिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप जब जाएंगे तो आपने वैलिडिटी के लिए अगर आपका एप्लीकेशन दिया है तो आपने अप्लाई किया है लेकिन अब तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, ऐसे अगर आपकी सिचुएशन है, आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जाके आप ऐसा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव, इस तरह का आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको चूज़ कीजिए। आफ्टर दैट वो सारा आएगा, आपने कहाँ अप्लाई किया है, उसकी डेट, रिसिप्ट नंबर वगैरह सारा भरना है, सेव और प्रोसीड कर देना है। आफ्टर दैट अगर आप PWD फिजिकली हैंडीकैप में आते हो, डिफेंस आते होंगे, तो वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आते समय जब आप कैटेगरी या जो भी चूज़ करेंगे तो यहाँ TFWS का भी ऑप्शन है, कैटेगरी भरते समय आप TFWS कैटेगरी दोनों भी ऑप्शन यहाँ चुन सकते हो। पहले सार के पोर्टल में दोनों चीज़ें एक साथ ओपन नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ आपको दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों नीचे आपको अगर कुछ माइनॉरिटी स्टेटस आपका होगा या उस कैटेगरी में आप आते होंगे, तो यहाँ आपको आपको माइनॉरिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा ध्यान से भरना है कि आपका रिलीजन कौन सा है, आप कौन से माइनॉरिटी में आते हो और अंडर दैट माइनॉरिटी आपको कौन सा रिजर्वेशन या क्या मिलने वाला है। ये सारा भरने के बाद जो है तो आपको इसको भी वापस सेव और प्रोसीड करने पे क्लिक करना है। जब आप इसको सेव और प्रोसीड करेंगे तो ये आपको वापस एक बार आगे की पेज पे जो है तो लेके जाएगा। दोस्तों यहाँ कैटेगरी और TFWS को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है, इसको आप चूज़ कर सकते हो, पहले की इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। चूज़ करने के बाद जब आप वापस उसको सेव और प्रोसीड करेंगे तो आपको वो कुछ इस तरह के आगे के फॉर्म पे आगे के इस पे लेके जाएगा। यहाँ आगे आने के बाद आपको जो है तो आपके सारे 10th के ESSC के डिटेल्स जो है या 12th के डिटेल्स जो है तो आपको सारे भरने हैं। आप जब यहाँ मार्क्स भर देंगे, सारे डिटेल्स भर देंगे, तो अपने आप ही वो उसके परसेंटेज वगैरह जो है तो अपने आप सॉफ्टवेयर जो है या साइट जो है उसको कैलकुलेट कर लेगी। साथ ही साथ 10th के डिटेल्स के बाद आपको इक्विवेलेंट एग्ज़ाम या HSC आपके जो 12th एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसके ऑप्शन को चूज़ करना है जो भी है। तो आफ्टर दैट 10th के डिटेल्स होने के बाद आपके HSC के या क्वालिफाइंग के डिटेल आपको भरना है। ये भरने के बाद वापस आपको आगे की स्टेप है, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। तो आगे के पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ 12th का आपका जो डेटा है, अगर उसको आपको नीचे फिलअप करना है तो आपको उसका रोल नंबर है, सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपको पूछेगा वो आप भर दीजिएगा। तो आपने आप जो है तो आपके 12th का डिटेल्स, उसके मार्क्स, स्कोर, सारा का सारा वो अपने आप अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपको अगर डेटा लेना है तो सारी इन्फॉर्मेशन भरना है, वहाँ क्लिक कर देना है गेट HSC स्कोर या HSC डेटा। अब इस ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो अपने आप ही नीचे आपके सारे सब्जेक्ट के जो 12th के मार्क्स है, जो रिक्वायर्ड है, उसका नंबर वगैरह, एप्लीकेशंस, उसके मार्क्स, उसके परसेंटेज, सारे के सारे जो है अपने आप यहाँ आ जाएंगे। सेव और प्रोसेस कर देंगे आप तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ दिखेगा। वहाँ आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भरना है, उसके बाद आपका HSC बोर्ड भरना है, HSC बोर्ड के डिटेल भरना है, कब पास हुए थे, क्या हुए थे, मार्क्स तो ऑलरेडी आपके अपलोड थे ही, तो वो अपने आप वहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ साइड में आपको एक सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री से ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स है तो आप उस लिस्ट में से उसको चुन सकते हो। लेकिन जो लिस्ट में आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं आप उससे ज़्यादा या उसके अलावा
कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो। तो सारे जितने आपको सब्जेक्ट दिए हुए वहाँ पर उसको ही चूज कर लीजिएगा, सेव और प्रोसीड करना है। यहाँ पर दोस्तों जिससे ज़्यादा मार्क्स है आप उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हो, तो परसेंटेज इन्फॉर्मेशन भरना है। ये सीईटी के आपके जो सीईटी के डिटेल्स है तो पूरे पूरा यहाँ पर है। अगर फॉर्म भरते समय आपने सीईटी को नो किया हुआ है या नो लिखा है, आपने नहीं दिया है, तो आपको जेई मेंस के जो सारा इन्फॉर्मेशन है, जेई मेंस के जो डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पर भरना है। इफ़ अगर आपने सीईटी को नो किया हुआ हो तो ही, तो ये सारे डिटेल्स फिलअप होने के बाद जो है, तो आपको अगेन आगे की स्टेप करने के लिए, आगे का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सेव और प्रोसीड जो है तो कर देना पड़ेगा। आप जब जैसे उसको सेव और प्रोसीड करेंगे तो अपने आप ही वो आपको आगे की स्टेप पे जो है, आगे की स्टेज पे जो है तो लेके जाएगा। तो आगे की स्टेप में कौन सा पेज खुलता है अभी हम देख लेते हैं। साइट थोड़ा स्लो है, तो आगे का जैसे ही पेज खुलेगा, मैं उसके जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये सारा फिलअप होने के बाद कुछ इस तरह का जो है तो पेज खुलेगा। यहाँ आपको आपकी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, फाइल अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आपको ऑलरेडी सार पोर्टल पे आपने किया हुआ था, फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, स्कैन करना चाहिए, 100 KB तक चाहिए, आपको किस तरह से उसको अपलोड करना है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है ऊपर यहाँ दिए हुए हैं। उसको सेव प्रोसीड आप कर देंगे तो आपने जो भी फ़ोटो यहाँ अपलोड की है तो फ़ोटो आपको यहाँ साइड में दिख जाएगी। आपको सेव प्रोसीड करेंगे तो आपको आपकी जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है, 600 या कैटेगरी वाइज वो अलग अलग हो सकती है। अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको फ़ीस भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट इस तरह का जो है तो ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा। पहले आप उस अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करना वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस है, सिलेक्ट कर देंगे तो आगे का अकाउंट खुलेगा। टोटल फीस दी हुई यहाँ 600 है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे फीस पे पे, तो नीचे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, उस बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद जो है तो अब आपको दोनों साइड क्लिक करना है, ऊपर भी और यहाँ टर्म्स पे भी। तो कुछ इस तरह का हमेशा का पेमेंट का इंटरफेस जो खुल जाएगा। अब इस मेनू में जाइएगा, आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बेसिकली डेबिट कार्ड होता है सबके पास, तो डेबिट कार्ड आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। या डेबिट कार्ड के सारे डिटेल्स जो है, जो भी है आपको सारे भरना है, या साइड में उसकी अमाउंट भी आपको दिखेगी, और प्रोसीड कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पेमेंट का स्टेटस जो है तो सक्सेस है या फेल है, जो भी है, बैंक में पेमेंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ दिखाएगा। नेक्स्ट आपको जाना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पेज पर जाने के लिए यहाँ साइड में आपको मेनू में दिखेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जो अब तक पूरे स्टेज आपने किए ये सारे ग्रीन दिखा रहा है या कंप्लीट दिखा रहा है आपको दिखेगा, स्टेप वन स्टेप टू, और कौन से कंप्लीट है कौन से इनकम्प्लीट है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था जो इनकम्प्लीट स्टेप्स आपके रहेंगे, जो आपने पूरा नहीं किया है तो उसको रेड में दिखाएगा, और जो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको आपको वो ग्रीन में दिखा देगा। तो दोस्तों इस स्टेप में आपको जो है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है उस डॉक्यूमेंट्स को जो है तो इसके अंदर अपलोड करना है। जब आप इसको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है खुलेगा। यहाँ आपको दिया हुआ है अपलोड पे क्लिक करना है, बाद में व्यू दिया है और एडिट भी दिया है। जब ये आपका डॉक्यूमेंट्स आप इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ दिया है PDF है, JPG है, JPEG है, तो सारे फॉर्मेट में जब आप उसको तो अपलोड कर सकते हो। तो जब यहाँ आप उसको अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएगा तो ये व्यू में आप उसको व्यू भी कर सकते हो। जब डॉक्यूमेंट सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो। अगर वैलिडिटी या बाकी कोई एक आधा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपने पहले फॉर्म में लिख दिया था कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव, तो वो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने की वजह से आपको वो नॉट अपलोडेड और या दूसरा ऑप्शन दिखाएगा अप्लाइड बट नॉट रिसीव, वो दिखा देगा वहाँ पर, तो आपको उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन बाकी के जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जी यहाँ पर जो हो तो उसको अप्लाई कर दीजिएगा। जब उसे अपलोड करेंगे आप, तो आप फाइल अपलोड करने के लिए उसको क्लिक करना है, चूज़ करना है, तो बताएगा कि कैटेगरी और उसके लिए कि आपने ये कहाँ से इशू किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू किया था, उसका तालुका क्या है, उसकी अथॉरिटी कौन सी है, कि किस अथॉरिटी ने आपको जो है तो ये सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है
इशू किया होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते समय सिर्फ आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है तो उसके समय पे ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो आप उसको ध्यान से भर दीजिएगा। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे तो मैंने जैसे कहा था अपलोड के साइड में जो ऑप्शन है व्यू का, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। इनकेस बाय मिस्टेक आप अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर देते हो तो साइड में एडिट का ऑप्शन है, उस पर नीचे क्लिक करके जो है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो और डिलीट करके वापस उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको सारा दिख जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिलअप होने के बाद, पूरा फिलअप डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट कर लेना है और उसको सेव करके आपके पास रख लेना है। आपके जो पासवर्ड्स है, पेमेंट स्लिप है, वो सारे को आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। सारा होने के बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ फोटो दिखेगी, आपके सारे जो डिटेल्स आपने फिलअप किए वो सारे डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा।